फिलहाल बुलेट ट्रेन आने में तो अभी काफ़ी समय है, 2026 तक बुलेट ट्रेन दौड़ाई जाएगी, लेकिन उससे पहले वंदे भारत ट्रेन के ऐसे लेटेस्ट और एडवांस वर्जन भारत में आपको दौड़ते नज़र आएंगे जो यूरोपियन ट्रेनों जैसे दिखेंगे, जैसे कि टिल्टिंग टेक्नोलॉजी, एडवांस सेफ्टी फीचर, स्लीपर वाली वंदे भारत जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होगी, और अब तो 2023 के बजट में और 300 से 400 वंदे भारत ट्रेनों की मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है। और साथ ही गवर्नमेंट राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस को स्टेप बाय स्टेप तरीके से बंद करने की भी योजना बना रही है। रेलवे अगले एक साल में सेमी हाई स्पीड ट्रेनों से पहले स्टैंडर्ड गेज वर्जन को मैन्युफैक्चरिंग करने का भी टारगेट बना रही है। गवर्नमेंट काफ़ी तेजी से देश में वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़ाने पर काम कर रही है, और साल 2024 तक तो स्लीपर वाले कोच की पहली वंदे भारत ट्रेन भी आपको दौड़ती नजर आएगी। रेलवे मिनिस्टर के एक ऑफिशियल्स ने कहा कि भारत को 2025-26 तक टिल्टिंग टेक्नोलॉजी वाली पहली ट्रेन सेट मिल जाएगी। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि पहले से ही अप्रूव्ड 475 में से लगभग 100 वंदे भारत ट्रेनों में इस टिल्टिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा। ट्रेनों में इस टेक्नोलॉजी से ट्रेनों को हाई स्पीड में मोड़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि पास्ट में वंदे भारत ट्रेन काफ़ी सारे कैटल से टकरा चुकी है, और इस एक्सीडेंट को अब रोकने के लिए गवर्नमेंट ने 264 करोड़ रुपए की लागत से ट्रैक के दोनों साइड फेंसिंग को इंस्टॉल किया जाएगा। और इस तरह की टिल्टिंग टेक्नोलॉजी अभी तक 11 देशों में यूज़ की जा रही है। इटली, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, फिनलैंड, रूस, चेक रिपब्लिक, यूके, स्विट्जरलैंड, चीन, जर्मनी और रोमानिया में इस तरह की ट्रेनें दौड़ रही हैं, और अब जल्द ही भारत भी इस तरह की टिल्टिंग टेक्नोलॉजी को ट्रेनों में यूज़ करके इन्हीं देशों में शामिल हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो, हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। टिल देन, गुड बाय।